तुमने मुझे समझा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है मैं कौन। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया तुम्हें पाने के लिए। जो तुम्हारा मनन लाला है ना, सबसे बड़ी गलती की उसने, वो तुम्हारे और मेरे बीच में गुजरा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको हटाऊं। मारने की फुल प्रूफ लाने की किसी को नहीं पता चलता। तो तुम्हारी बेटी है ना गुनगुन, वो डिटेक्टिव, उसने आंख लगा लगा के देख ली, उसको शक हो गया मुझ पर। लेकिन उसको मैंने गलत साबित कर दिया तुम्हारे सामने, तो मैंने उसको नहीं मारा, मैं बच गया। दादी को मारना पड़ा। क्योंकि उनको मेरा सच पता चल गया था और वो मेरा सच मोहन को बता रही थी। अब अगर मोहन को पता चल जाता तो पूरे शहर को पता चल जाता, तो मैं वो कैसे करता। तो मैंने दादी की मौत का इल्जाम गुनगुन और मोहन पर लगा दिया ताकि वो परमानेंटली यहां हो जाए और तुम परमानेंटली यहां हो जाए। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, प्यार में करना पड़ता है। कोई भी लड़ाई बिना सेक्रीफाइस के थोड़ी होती है, उनको बलिदान देना पड़ा। ये है आपका असली रूप। हाँ? आपका सच। ये भाग्य बिहारी जी, गुनगुन मुझे बार बार समझाने की कोशिश करती रही, बार बार बताने की कोशिश करती रही कि आप कितना झूठ बोलते हैं। मेरे मनन को मारने की कोशिश की आपने, पर फिर भी मैंने उसकी नहीं सुनी। मोहन जी तक आए थे मुझे सच बताने के लिए कि आप जिस दिखते वैसे है नहीं, मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। अच्छा किया। मैं पागलों की तरह सिर्फ आप पर विश्वास करती रही हूँ, मैं सिर्फ आपका साथ देती रही, आपके लिए मैं उन दोनों से लड़ पड़ी, झगड़ पड़ी, उसे घर से धक्के मार कर बाहर कर दिया। आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया खुद, तो वो हो ही नहीं। गुण निकलो, जल्दी निकलो। ये मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा दर्द हो गया मुझसे। ये नहीं होना चाहिए था। सिंपल लॉजिक क्या है, मैंने 7 साल इंतजार किया, 7 साल कोई नहीं करता। मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, सिर्फ ऐसे राधिका राधिका राधिका। अब इतनी मेहनत के बाद अगर मैं तुम्हें मोहन के हाथों खोलूं तो मैं बेवकूफ होऊंगा। मैंने थोड़ी बोला उनको मेरे रास्ते में आओ, मेरे रास्ते में आए तो मुझे मारना पड़ा।